अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज है संडे और संडे को आज है कल्चर डे, सिंधी कल्चर डे। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो सिंधी कल्चर डे। और हम सब हो चुके हैं रेडी, देख सकते हैं आप लोग टोपी, वाइट सलवार कमीज, अजरक और ये पागल। तो हम हो चुके हैं रेडी और सोना भी रेडी हो चुकी है। देखो बस गेम के अलावा कुछ आता है ये देखना। ओए, बाकी ये पापा नहीं और ये सारी रेडी हो चुकी हैं। हम लोग जा रहे हैं आज मैरी टाइम म्यूजियम, वहाँ पे है कोई फंक्शन या फेस्टिवल वगैरह है, तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे सिंधी कल्चर डे मनाने। और पापा भी रेडी होने वाले हैं, मम्मा भी रेडी होने वाली है, फिर चलते हैं मैरी टाइम म्यूजियम। और हमारी खाला भी आज हमारे साथ जाएंगी, जो हमारे साथ चलती है, खाला की बेटी है, तो आज खाला भी जाएंगी, तो बहुत मज़ा आएगा। तो उस व्लॉग को जैसे स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर यू व्लॉग। पापा भी रेडी हो चुके हैं, बस पापा की टोपी पहनेंगे, अजरक हमारे पास एक ही है, कुल मिला के हमारे पास एक ही अजरक है, जो पाँच लोग थोड़ी थोड़ी देर पहनेंगे। बस ये बताना नहीं है। तो गाइस हमारे पास 10,000 रखे हैं, 4 हम लोग 5 लोगों को दे देंगे, बाकी 5 हम पहनेंगे। कैसा चल गया ना? अब अभी हो चुके हैं रेडी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। आज सिंध कल्चर डे मनाने का प्रोग्राम बनाया हमने, और आज सिंध कल्चर डे है, और अभी हम जाएंगे पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम, वहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो इंशाल्लाह वहाँ आपको मिलते हैं और इंशाल्लाह वहीं आपको दिखाते हैं, आप सारे फेस्टिवल जो भी होगा वो आपको वहाँ एंजॉय कराते हैं। तो मिलते हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम। ओके, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो आज हम जो है वो कल्चर डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जी। आप लोगों को मेरे घर वालों ने तो सबने बारी बारी बता दिया, मेरे बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो बस अभी चलते हैं जी। सब लोग नीचे उतर चुके हैं, मैं और सॉरी रह गए हैं, तो हम लोग जो है वो अभी उतर रहे हैं जी नीचे। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी सिंधी कल्चर डे। हैप्पी सिंधी कल्चर डे जी। तो हम जैसे फुल तैयार हुए हैं माशाल्लाह, मेकअप भी हमने फुल वाला किया है, मतलब कि थोड़ा डार्क किया, लिपस्टिक भी मेरे देख सकते हैं बिल्कुल डार्क, और डार्क हमने जान के लगाई है, क्योंकि आज के दिन थोड़ी डार्क मेकअप, डार्क लिपस्टिक, डार्क कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, निकलते हैं, मेरी टाइम जा रहे हैं जैसा कि बता दिया है इन लोगों ने, तो चलते हैं जी। नाना करके भी देर हो गई है, कुछ ना कुछ तो रह जाता है, तो चलते हैं जी, फिर मिलते हैं आप लोगों से मेरी टाइम में। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं जी, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो अभी हमने टिकट ले ली जी, ये रही बारह जी 100। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मेरी टाइम म्यूजियम, चलते हैं जी अंदर, देखते हैं मंदिर का। मेरी तो म्यूजियम तो पहले भी दिखा चुके हैं, म्यूजियम तो पहले भी दिखा चुके हैं, अभी हम लोग पहले भी आ चुके हैं, फर्स्ट टाइम नहीं है। हेलो अंदर लोगों को, तो आगे माहौल दिखाएंगे। कवल सोना, हाय गाइस, ये जो मेरी मम्मा की टिकट है, अरे जाना छोटी आती है। हेलो गाइस, तो बन गए जी हम प्योर सिंधी, अभी प्योर सिंधी वाला लुक आ रहा है ना अब। ठीक है जी, अभी आ जाएं हम, चलते हैं जी अंदर, खुद दिखाऊंगी। जहाँ ये खुद को मनवा सके, ये खुद बैठ कर चार लोगों के पास सके, अपने आप
जिंदगी को लेकर कर सके, यही बस कहना और समझाना चाहती हूँ जो मेरे पास पहुंच गए शेल्टर होम उन्हें भी, और जो आज यहाँ पर इसको सुन रहे हैं, ये हमारा सरमाया है, इनको अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है उसको बरोए कार लाते हुए उस चीज को उस पोटेंशियल का है, जैसे को ये आम उम्र के लोग छोटी छोटी अचीवमेंट में बहुत बड़ी बड़ी हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि आगे बढ़ने का जज्बा जो उनके अंदर है वो मजीद परवान चढ़े, वो मजीद आगे जाए और ये बच्चे इस दुनिया में अपना मकाम बनाए और ये बच्चे ये सलाहियत रखते हैं कि अपने आप को मनवा सकते हैं। माँ बाप से ये रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों को उतरे और विदाई जितना बेहतरीन इदारा है इन इदारों के लिए बहुत सारी दुआ कि ये अपना जो मिशन है वो लेकर चल रहे हैं। अभी मुझे मालूम हुआ कि कुकिंग कॉम्पिटिशन में लोगों क्या हुआ, क्योंकि बेहतरीन था कि जो देख सकता था और जो नहीं देख सकता था, जब खाना पका और वो कढ़ाई सामने आई तो कोई पता नहीं कर सका कि कौन सी किसने बनाई है। तो क्या इनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर भी निकालेंगे, इनको ट्रेन भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे और इस तरह से तकालीफ करके हम इनको बताएंगे कि आप दुनिया में किसी से कम नहीं हो, बल्कि आप मेहनत के बाद जो कि जज्बा, क्योंकि इन्होंने खुद को मनवाना है तो मेहनत का जज्बा, आगे बढ़ने का जज्बा इनमें एक आम बच्चे से कहीं ज्यादा है। बहुत दुआएं आप सबके लिए इस बिनाई इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर उस इंसान के लिए जो किसी दूसरे इंसान का सहारा बनता है, किसी दूसरे इंसान ये जरिया बहुत भरपूर ज्ञान होनी चाहिए एक मोटिवेशन। भाई आपके नाप का है इनकी हो गई माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच मैम हम सबको मोटिवेट करने के लिए। इंक्लूसिव टैलेंट फेस्टिवल हाथों में हाथ लिए एबीएचए इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस है, आप तमाम लोगों की भरपूर क्लैप होनी चाहिए। हेलो बाबा जी कैसा लग रहा है आपको गेम खेल रहा है जी आपको गिफ्ट मिलता बच्चा गेम हार गया। बात की है हाँ सही है मिल जाए तो अच्छा कहाँ भेज नहीं फिर वो सही बंदे देखने कोई और शॉपिंग करे ना करे मैं और सवाई करेंगे ना सवाई हमारी तो आदत है जहाँ जाते हैं हम लोग शॉपिंग ज़रूरी करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ये ना ये अच्छी लग रही है। क्या हुआ इसमें कुंदन भी मिल जाएगा आपको कितने के 350 ये 250 350 फिलहाल ये डब्बे में डाल मेरे सूट आज जो निकाला था उसमें मैचिंग है सही ना इसमें एक और भी कलर है इनमें दो कलर हैं ग्रीन और ग्रीन और ये बड़े झुमके में देखेंगे तो ये नहीं बदल रहे नहीं नहीं तो बहुत ज़्यादा ये भी है तो ये मेरी सिस्टर ले रही है जी कुर्तियाँ मुझे वहाँ पे बूंदे पसंद आ गए हैं तो जोड़ी बूंदे मैं जरूर लूंगी। मनाने का खुद को माजूर बताने का ये दिन है समझाने का अपना आप मनवाने का।
ये एहसास दिलाने का। किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को खौफ है पानी का। किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को खौफ है पानी का। कोई शख्स मुकम्मल नहीं यह एहसास दिलाने का। तुम अपना आप पहचानो। 5 सेकंड एक दिन मुस्कुरा के ये बताया था को, क्या तुम्हें भी ये पता है प्यार है मां से पागो। भरपूर तालियां होनी चाहिए पीएचए की पूरी टीम के लिए, इनकी टीचर्स, इनके प्रिंसिपल, इनके पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और ये हमारे स्पॉन्सर हैं। तो और क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किए उन्होंने, इस परफॉर्मेंस के लिए खुसूसी तालियां होनी चाहिए। कल पापड़ चापर लेना है कवल, अभी हम कुछ और देखते हैं मेरे खाने को। हाँ वजदार, क्या लेना है? अयान जहीर, अयान जहीर, थैंक यू सो मच। हम बाकी बच्चों के लिए मजेदार विशेष लिए और बाकी बच्चों को भैया पहले कुछ खा लो फिर पीना सीखे। उमेर से मेरे हाथ से ले लेते हैं। पास्ता? हाँ। कहाँ उन लोगों को भी तो बुलाओ ना, फिर पूछ के फिर एक साथ ही ले। पहले चेक करते हैं सारी चीजें, फिर एक साथ डिसाइड करते हैं क्या लेना है। कॉफी भी है भाई? अभी तो गर्मी हो गई है। हां मैं तो थैंक यू सो मच। आना फ्राइज तो जरूरी है ना, गुड़िया के बाल भी हैं देखो, गुड़िया के बाल, कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न भी हैं। पॉपकॉर्न इतना बड़ा रश है भाई। समोसे हैं, दो आलू के, दो चिकन के, एक आलू है, एक चिकन है, दो आलू और दो चिकन होगा। चलो भेज दें। जी गाइस हमने समोसे ले लिए हैं जी, चिकन के, आलू के और ये फ्राइज भी ले लिए हैं। चलते हैं अब, इधर भी है हमारे घर भी फ्राइज खा रहे हैं। चलो भाई चले, खाई नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, चलो जी, ये रहे जी समोसे, आ जाओ कवल। नहीं 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 मां ले ले, नहीं हेलो गुड़िया।
भैया तो भाई बात ही नहीं सुनती भाई। बैठ तो बेटा ले ले।